बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। खास बलिया इलाके में है ये गांव, ब्राह्मण बहुल्य गांव है। आपको क्या लगता है और क्या काम हुए मोदी सरकार में? बहुत सुंदर काम हुआ है गुरु। सब महिला को जो चूल्हा फूक रही थी सबके घर में सिलेंडर हो गया। आजादी के बाद आज तक जितने यहाँ सांसद रहे, लोकसभा राज्यसभा, अगर विकास मुद्दा है तो वीरेंद्र सिंह मस्त ही नेता था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट काट के गलत किया। ब्राह्मण तो शुरू से गाली सुने हैं, आज नया सुनेंगे, लेकिन ब्राह्मणों का अस्तित्व भाजपा में ही सुरक्षित है। मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन बलिया का ब्राह्मण कर रहा है नीरज तेरी खैर। किसी को खिलाया नहीं इसलिए लोग कह रहे हैं कि बेकार है, मोदी ही आएगा। नमस्कार, ये सुबह का वक्त है और हम बलिया लोकसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। और बलिया में कल शाम को लोगों से बात की, मोहम्मदाबाद गए और अब हम इस वक्त खास बलिया इलाके में हैं और गढ़ौली गांव है वहां आए हुए हैं। ये गांव ब्राह्मण बहुल्य गांव है और जो चुनाव की अरिथमेटिक है बलिया लोकसभा की, वहाँ ब्राह्मण बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर वोट के लिहाज से देखें। और एक और गणित ये है कि ब्राह्मणों का आमतौर पर बीजेपी का एक बेस वोट बैंक से माना जाता है, मगर यहाँ गणित कुछ और हो रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से सनातन पांडे, वो ब्राह्मणों का वोट तोड़ पा रहे हैं कि नहीं तोड़ पा रहे हैं, अपनी तरफ खींच पा रहे हैं कि नहीं खींच पा रहे हैं, ये समझने का हम प्रयास करेंगे इस गांव में। प्रत्याशियों की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर यहाँ से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। पिछली बार यहाँ से वीरेंद्र सिंह मस्त चुनाव लड़े थे, जीते थे, 15,000 वोटों सनातन पांडे को हराया था और फिलहाल वो सांसद हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। अगर बसपा की बात करें तो ललन यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं। तो पटौली में लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि भाई चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है। और जो ये बताया जा रहा है कि बीजेपी से टूटकर ब्राह्मण वोट सनातन पांडे की तरफ जा रहा है ज़्यादा, वो समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो बड़े बुजुर्गों से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? दयानंद मिश्रा। क्या करते हैं आप? हम तो प्रेस में ही थे, लेकिन अब काम बंद कर। पत्रकार थे आप जी? अरे वाह। तो क्या गणित यहाँ लग रहा है, थोड़ा हमको समझाइए चुनाव में। यहाँ गणित ये है कि अब तक सिंपैथी के मृतक आश्रित नेता नीरज शेखर को लोग वोट दे देते थे कि चंद्रशेखर जी के लड़के हैं, और 17 साल यहाँ के सांसद रहे नीरज शेखर, लेकिन 17 साल में 1 करोड़ का भी काम किसी 5 गाँव में नहीं कराए हैं। मृतक आश्रित नेता को अब नकार दी है जनता, अब इस बार सनातन पांडे को जिताएंगे। और जो भी विकास कार्य हुआ यहाँ बलिया में, चाहे चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का हो, अखिलेश यादव की देन है, चाहे गौरी भैया महाविद्यालय का हो, अखिलेश यादव की देन है, 6 मॉडल तहसील बलिया में बनी है, 6 मॉडल तहसील जो है मुलायम सिंह यादव की देन है। अच्छा। और 1,000 आदमियों के बैठने का सभागार कलेक्ट्रेट में बना है, वो भी सपा की ही देन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गजेंद्र कुमार पाठक है सर। अच्छा, क्या करते हैं पाठक जी? हम तो ड्राइवर आदमी है सर। ड्राइवर? अभी आप बता भी रहे थे। हम ड्राइवर आदमी है सर, जो हैं वही बताएंगे ना। नहीं, आप बता रहे थे आप हैवी ड्राइवर। हम हैवी ड्राइवर हाँ ही है, तो बताएंगे नहीं कि हम हैवी ड्राइवर हैं। क्यों हैवी ड्राइवर हैं आप? लाइसेंस बनता गया, जैसे मान लीजिए कि पहले लर्निंग बना, उसके बाद लाइट हुआ, उसके बाद हैवी हो गया, तो जब हैवी हो गया तो बड़ी गाड़ी चलाने लगे। अच्छा। लाइट था तो छोटी गाड़ी चला रहे थे। कौन सी गाड़ी चलाते हैं भाई? आज के डेट में टैंकर चलाते हैं गुजरात में हम सर। गुजरात में? हाँ, गुजरात में टैंकर चलाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर भी क्या छुट्टी पे आए हुए हैं? छुट्टी पे तो साल भर से बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी छोटी गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। तो क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में? माहौल तो सर बहुत सुंदर दिख रहा है। अच्छा। बहुत सुंदर दिख रहा है। आइए देखिए, ये नीरज शेखर और भाजपा भाजपा ये सब नहीं जानते हैं पब्लिक। पब्लिक ये जान रही है, हम अपनी मम्मी को बता रहे हैं सर, मम्मी मरने वाली है, वो बोल रही थी कि तुम्हारे पापा गुजर गए, वो हमारा आज तक खाता नहीं खोले, लेकिन मोदी ऐसा बेटा पैदा हो गया कि सबका घर में खाता खुल गया, सबके अकाउंट में पैसा आ गया, तो कोई गारंटी नहीं है कि नहीं भाई भाई हम इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, नीरज से कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि भाई जो बढ़िया काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे, जिताएंगे। आप कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट पड़ता है? ओके सर, ये मोदी के नाम पे जो मोदी काम किया है आज तक 10 साल में, 10 साल पहले हमारा इस तरह पकड़ कर कोई भी, आप भी जा रहे हैं मोटरसाइकिल से ना, वह भोंके तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। गाली मत दीजिए। जो जिस तरह वाक्य मिला है हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी इधर उधर चला रहा है, अरे साला इतना लंबा रोड है, तुम बाएँ से जाओ दाहिने से जाओ, हम अपना सीधा पकड़ कर जा रहे हैं। लेकिन ये 10 साल में मेरे को तो कोई कालर नहीं पकड़ा है।
अच्छा, इसके लिए आप मोदी सरकार को मानते हैं? मोदी सरकार को नहीं मानते हैं, जो सरकार मेरे को बढ़िया काम करेगी उसको हम वोट देंगे। अच्छा, और क्या आपके हिसाब से काम हुए हैं? अच्छा भैया, लगा अब हो गया हमारा कोटा। छोड़िए सर, हम कुछ दूसरे जगह पे हैं, आज आए, संडे आए, कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है और क्या काम हुए हैं मोदी सरकार में आप लोगों? बहुत सुंदर काम हुआ है गुरु, बहुत सुंदर। सब महिला को जो चूल्हा फूक रही थी, सबके घर में सिलेंडर हो गया, अब इससे बढ़िया क्या चाहिए। सबको मिल रहा है राशन, 5 किलो चावल 5 किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सबको राशन? साला हम पी अकड़ हैं, हमारी बीबी साली घर में कह रही है कि नहीं तुम पी कर ढह जाओ, सरकार मेरे को राशन दे रही है, हम खा लेंगे, बच्चे को जिला लेंगे। इससे पहले भी कोई सरकार दी है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिरुद्ध चौबे है। अच्छा, क्या करते हैं अनिरुद्ध जी आप? हम तो पॉलिटेक्निक होल्डर हैं, लेकिन इस समय बेरोजगार ही हैं, अब ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, अच्छा, रहने वाले गांव के ही हैं? हाँ, इसी गांव का। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? यहाँ तो मुद्दा देखिए, लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण सनातन पाणे की तरफ जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे दूसरी बिरादरी है, बिरादरी की तरफ दौड़ रही है, इसी कैलकुलेशन पर लोग ब्राह्मणों को भी ले रहे हैं, जो ऐसा है नहीं। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, वो सोचता है कि क्या अच्छा है और क्या गलत है, और उन्हें दिख रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि 70% ब्राह्मण सनातन पाणे की तरफ दौड़ गए। अरे सनातन पाणे क्या कर लेंगे? अगर सीट निकल भी जाती है तो सनातन पाणे क्या कर लेंगे? आएगा तो मोदी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि आएगा मोदी, नहीं मोदी ही आएगा। तो सनातन पाणे को वोट देना अपना वोट बेकार करना है। अच्छा, और ब्राह्मण जाति के नाम पे दौड़ेगा नहीं। और नीरज शेखर कोई कुछ भी कहे कि बेकार है, काम नहीं किया, ये गलत बात है। नीरज शेखर ऐसा रायल आदमी कोई है ही नहीं। क्यों लगता है? वो किसी को खिलाया नहीं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि बेकार है। अच्छा, वो न खाता है न खिलाता है। अच्छा, उसके राज्य में कोई उसका कार्यकर्ता एक रुपया नहीं पाया, उसके सांसद निधि से एक रुपया बाजार में नहीं गया, हॉस्पिटल को मिला, बिजली विभाग को मिला। तो खाने वाले तो कहेंगे कि बेकार है, लेकिन नीरज शेखर एकदम सही आदमी है। कोई भी उसके पास पहुंच जाए, उसका काम होता है, कुछ नहीं करेगा तो फोटो कर ही देगा। गए आप कभी? हाँ, बिल्कुल, वो हमारा काम नहीं पड़ा है, लेकिन रास्ते में मुलाकात होती है तो हाथ जोड़ते हुए ही दिखते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो एक ग्राम प्रधान हाथ नहीं जोड़ता है, एक सांसद प्रतिनिधि हमेशा हाथ जोड़े हुए मिलता है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जैसे भैया बोल रहे थे कि काम धाम नहीं हुआ है पिछले 10 साल में, सरकार है काम तो लोग काम की बात करते हैं, कौन सा काम रखिए। मॉडल तहसील जिसके जमाने में बनेगी उसी के जमाने में बनेगी, अब बन गई तो नया तो नहीं बनेगी ना। अब गोठौली में मॉडल तहसील तो बन नहीं जाएगी, और एक सांसद नाली साफ करने तो आएगा नहीं। ये होता कि हाँ गांव का नाली है भाई, सांसद साफ करे, सांसद नाली साफ करेगा नहीं। सांसद बैठ के हमारे जिले का प्रतिनिधि दिल्ली में ना करेगा, उसकी सांसद निधि आती है तो वो कहाँ खर्च होती है, वो देखने की बात है। तो अभी तक तो जब सांसद थे तो सांसद ने सही जगह खर्च हुई थी, जहाँ तक हमको जानकारी है। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का वजूद बचा है सिर्फ भाजपा में। अच्छा, पर यहाँ प्रत्याशी जो हैं वो तो ब्राह्मण प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। मैंने बताया ना कि लोग कैलकुलेशन उसी जातिगत व्यवहार पे कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण जात बिकने वाला जात नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी कहा गया है, उसको ये कहा गया है कि इसके पास समझ है अच्छे बुरे की, वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकता है। अब कोई उसी में जोड़ ले सबको तो अलग बात है। आप कह रहे हैं कि मतलब जाति के आधार पे वोट नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, पांडे की तरफ नहीं, ब्राह्मण तो कतई नहीं देंगे। अच्छा, मैंने करीब रहेंगे बीजेपी के साथ ही रहेंगे, वजूद उनका उसी में बचा है। और भारत तो हमारा जयचंदो का देश है, कुछ भी हो सकता है, इस भारत तो इतिहास पड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार चौबे। क्या करते हैं आप? हम गृहस्थ आश्रम में हैं जी। जैसे कि भैया बता रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या लग बात है? देखिए, विकास जहाँ तक का सवाल है, 17 साल में जो भाई जी ने कहा, वाकई में ये सपा के भी सांसद रहे हैं और अभी ये भाजपा में आए हुए हैं,
तो सपा का सांसद रहते हुए विकास के कार्यों में इनका कोई योगदान नहीं रहा है, नीरज शेखर जी का। अब 5 साल के लिए वीरेंद्र सिंह मस्त आए, अल्प आयु में आए हैं, 5 साल के लिए आए, सरकार ने इनको टिकट नहीं दी है, फिर भी जो काम करके चले गए हैं उसके आधा भी है 17 साल में, या उसके माने समझ लीजिए कि कुछ भी ये काम नहीं कर पाए, परंतु विकास के कार्यों को केंद्र सरकार से जो हो रहा है विकास कार्य, वो मूलभूत चीज़ों के लिए हो रहा है, इंसान के जीने के लिए रोड चाहिए, पानी चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए, तो मूलभूत जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है। अब लोग आ जाते हैं जातिगत पर, बात तो सही है, ये भी बात सही है कि यदि नीरज शेखर को टिकट नहीं मिलता बलिया से, या किसी भी अदर लोगों को, अदर जैसे कौन, अदर में जैसे वीरेंद्र सिंह हो, इन लोगों को टिकट नहीं मिलता, किसी अदर कास्ट को मिलता, तो क्या ये जो लोग हैं एक समुदाय के, वो आते हमारे यहाँ, या जो खड़ा होता प्रत्याशी उसको वोट देते, ऐसा नहीं है। यहाँ समीकरण ही उल्टा है, अभी तक चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, ये सब एक समुदाय को ही सहयोग करने में लगे हुए हैं, बाकी जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें भी नेता हैं, उसमें भी बोलता है, कार्य करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी को नहीं देता। इसलिए थोड़ा बहुत ब्राह्मणों में इस तरह की, ब्राह्मणों में ही नहीं, ओबीसी है, बैकवर्ड कास्ट है, ये सब में नाराजगी है कि भाई एक ही जगह क्यों दिया जाए, एक ही परिवारवाद को लेकर के मोदी कहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो परिवारवाद का वो दूसरा डिफिनीशन देते हैं, कि भाई एक खड़ा है तो उसका लड़का क्यों नहीं सांसद होगा, हुआ तो परिवारवाद ही, लेकिन वो अपने हिसाब से डिफिनीशन देते हैं, लेकिन परिवारवाद में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि एक ही परिवार के सारे लोग आवे, सारे उन्हीं की यहाँ नींव बनी रहे, बाकी आप कहने कि नीरज शेखर को टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए था। और लोगों को मिलना चाहिए, किसी दूसरे जाति को मिलना चाहिए, जैसे कि और जगह ये देते गए हैं, तो अब इस तरह से कहिए कि मैंने सनातन बाबा हैं, बुजुर्ग नेता हैं ना, सनातन पांडे, हाँ बहुत बुजुर्ग नेता है, असभ्य नेता है। अच्छा, काम करे न करे, काम तो बलिया के लिए कोई नहीं किया है, न चंद्रशेखर किए हैं, न नीरज शेखर 17 साल किए हैं, तो ये काम करें या न करें, 5 साल और सही, 5 साल और सही बलिया के लिए, तो हम तो भाई नीरज शेखर के, इनका सनातन बाबा के लिए है। अच्छा, तो जाति के आधार पर देने वाले हैं? पर नहीं है, हाँ। जाति के आधार पर हम नहीं है, जाति के आधार पर तो हम मैंने शुद्ध रूप से समझ लीजिए कि भाजपाई हैं। अच्छा, शुद्ध रूप से जब से हमने देखा है भाजपा को ही देखा है, भाजपा को ही दिया है, चंद्रशेखर के जमाना हो चाहे किसी का हो, लेकिन अब नेताओं की समीक्षा की जाए तो उसमें सभ्य नेता किसी को देखा जाए तो सनातन पांडे हैं। मतलब कुल मिला के इसे भैया कह रहे हैं, क्या लोकल नेता, लोकल लीडरशिप को देख के वोट पड़ने वाला है क्या इस बार, या जैसे उन्होंने कहा कि वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ेगा जी, ये जो है देश, क्या नाम है आपका, कन्हैया चुबे मेरा नाम है, ये वोट जो है टोटल जो है देशभक्त और राष्ट्र पर वोट पड़ेगा। अच्छा जी, और जहाँ तक नीरज शेखर की बात है, नीरज शेखर जैसा सभ्य जो है उत्तरा शरीफ कोई नहीं है, सनातन पांडे चूंकि तो इधर आए हैं, मतलब विधायकी से सांसदी लड़े हैं, नीरज शेखर शुरू से सांसद रहे हैं, लेकिन उस तरह से बेचारे जी शरीफ और सज्जन जो है इस तरह का अभी बलिया जिले में कोई प्रत्याशी नहीं, मतलब विधायक सांसद ही में या नेता चुनते वक्त आप लोग क्या देखते हैं कि वो कितना सभ्य है, कितना सरल है, या फिर ये देखते हैं कि काम धाम कैसा किया गया, चलो बता रहे अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोग व्यक्त कर रहे हैं ना कि ये सही है वो है, उसमें नीरज शेखर भी जो है उनका भी कहीं कि इस तरह का कार्ड नहीं है,
मेन वोट जो है ये वोट जो है 17 साल तो सभ्य देख ही लिए हैं, अब कितना सभ्य देखेंगे। ये वोट इस सूबे का नेता है कि अगर आप आज सुबह नीरज शेखर से मिलते हैं और शाम को जाते हैं तो कहते हैं हाँ कहाँ से आप आए हैं, कितना उनका तेज दिमाग है, अब इसी से अंदाजा ला सकते हैं कितना विकास करेंगे। यह वोट जो है टोटल जो है देशभक्ति पर पड़ रहा है। अच्छा, मतलब केंद्र में मोदी के नाम, मोदी के नाम पर। क्या कह रहे हैं, बोलिए मोदी। मेरा नाम विनय चौबे है सर। क्या करते हैं? हम अभी पढ़ते हैं, बीएड करते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा भैया कि यहाँ हम लोग सब ये देखे नेता तो चुनना नहीं है, नेता तो हमको विकास के लिए चुनना है। अब बलिया में 17 साल से थे, ये बलिया में पूरा किसी भी 5 लोगों से यहाँ इतने भाजपाई भी हैं, इनसे पूछिए कि उनका कोई सांपट है शिलान्यास का जो कहीं कार्य कराए हैं वो। और व्यापारी जो नंदलाल था उसकी हत्या हुई है उसमें सारे लोग भाजपाई हैं और सारे लोग बाहर हैं घूम रहे हैं बीजेपी में हैं। हम भी लोग बीजेपी ही हैं लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है बीजेपी से। अच्छा, क्यों नहीं संतुष्ट हैं? विकास नहीं हुआ है बलिया में। जो भी बीजेपी के मंत्री जी हैं, दयाशंकर सिंह वो आए इसको दुबई बना रहे थे और आज 2 वर्ष में कुछ नहीं किए हैं बलिया के लिए। अच्छा, हाँ विधानसभा में आप लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया था? हाँ एकदम किया था। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं किया है बलिया के लिए, सारे काम यहाँ अखिलेश यादव के हैं। जितने आप देखेंगे यूनिवर्सिटी हो, 82 पुल हो, बलिया ट्रामा सेंटर हो, बलिया महिला मेडिकल हो, सब अखिलेश यादव की देन है। अभी कहीं का काम है तो वैसे ही हर एक व्यक्ति बताए कि देखिए जितने रोड है, जितने रोड बने हैं जनपद में वो केंद्रीय नेतृत्व नितिन गडकरी का काम है। हमारा सांसद इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा सांसद देखिए, मैं अखिलेंद्र चौबे नाम है, पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं भृगु बाबा की धरती से आता हूँ। जो 17 साल में भृगु बाबा की जय न बोल पाया हो वो क्या ब्राह्मणों का वोट लेगा, जिसका पिता सामंतवाद के विरुद्ध अपना जने 1974 में तोड़े थे, स्वर्गीय खुले मंच से जने वो तोड़े थे और आज वो ब्राह्मणों का वोट समर्थन चाह रहे हैं किस आधार पे? दूसरा विषय ये है कि वास्तविकता ये है कि हम लोग जुडिशरी के एस्पिरेंट रहे हैं, 6ठी साल चल रही है भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में, 1 वैकेंसी आई है पूरे 6 साल में, क्या एस्पिरेंट क्या करेंगे, उम्र खत्म हो रही है लोगों की, पेपर में सब रद्द हुआ है, खत्म हो रही है। वाकई में जो तैयारी कर रहा है बंदा, इंटेलेक्चुअलिटी की सीमा पार कर दे रहा है, कोचिंगों में फीस भर रहा है और उस पर वैकेंसी ना आने का कितना बड़ा दबाव है। जरा ही शासन प्रशासन की व्यवस्था की बात तो हम शासन प्रशासन से संतुष्ट हैं, लेकिन जातिवाद का मुद्दा कहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही आनंद स्वरूप शुक्ला विधायक थे, उनके प्रतिनिधि थे डिंपल सिंह, इनके प्रतिनिधि थे राघव सिंह। अभी वर्तमान में ये परिवारवाद से, परिवार से ऊपर ना उठने वाली पार्टियों के नेता जो यहाँ थोप दी गई है, थोपी हुई राजनीति बलिया में नहीं चलेगी और बलिया में जयप्रकाश नारायण की धरती है। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो प्रथम पूज्य का निर्धारण गणेश जी की जो आप घरों में पूजा करते हैं इसी बालेश्वर बाबा की स्थापना में उनका निर्धारण हुआ था। तो बलिया किसी का गुलाम नहीं रहा है और बलिया के ब्राह्मणों में तेवर रहा है, चाहे मंगल पांडे हो आज़ादी की पहली शुरुआत करने वाले और आज़ादी को फिनिश करने वाले चितू पांडे इसी धरती से हैं। तो इस तरह की थोपी हुई राजनीति जो ये थोप रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व, हम कार्यकर्ताओं पे कुछ भी थोप देगा नहीं होगा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत दिलों और निष्ठा से मोदी जी के लिए कार्य करता हूँ, लेकिन हमारे जनपद में एक परिवार का 55 साल से शासन है, चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, उनके भतीजे MLC पप्पू सिंह, जितने आप देख लीजिए शेखर हो सिंह हो, इन लोगों का एक ही मुद्दा है, जहां ठाकुर वहां हम। तो ब्राह्मण किसी का ना गुलाम रहा है ना रहेगा। पता कर लिया जाए क्या कह रहे हैं, ये वोट पार्टीगत हो रही है कि जाति पे हो रही है? अच्छा, जरा हमारे अधिवक्ता भतीजे हैं हमारे, उनसे पूछ लिया जाए, ये हाँ हमारे भतीजे हैं, उनसे पूछा जाए कि वो कौन से, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी तो बीजेपी वाले हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, मगर इस बार कह रहे हैं कि उनका बदल रहा है वोट, क्या पार्टीगत हो रहा है ना कि जातिगत हो क्या हो रहा है बताइए, जिसे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए जातिगत यहाँ बलिया का ब्राह्मण कभी जातिगत तो रहा नहीं है, लेकिन पिछली 2022 की विधानसभा चुनाव में आनंद स्वरूप शुक्ला दुआबा विधानसभा से प्रत्याशी थे, ओम प्रकाश क्या कहते हैं यहाँ घोसी रसड़ा विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी था, अन्य बैकवर्ड जाति से था, जहाँ जहाँ उपेंद्र तिवारी थे, इन लोगों को चुनाव हराने का काम, एक जन नाय पे सवार हो गए, एक जन अपना झंडा लेके अलग निकल गए और नाय पे सवार होने वाले सुरेंद्र सिंह आज भाजपा में खुले मंच पे मोदी योगी जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और भाजपा के विधायक को हराने का काम किए हैं। 29,000 वोट पाए थे और मात्र 12,000 वोट से आनंद स्वरूप शुक्ला हारे थे, ये किसकी जिम्मेदारी है? रही बात आपकी सत्ता पे हम गुलामी करने वाले लोग नहीं है,
और वो तो कह रहे हैं कि भाई सरकार तो बीजेपी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, रोड बने तो नितिन गडकरी की, कोई अच्छा कार्य हो, कोई अच्छा कार्य हो तो उस पर्सनल नेता का है, पार्टी का नहीं है, मोदी का नहीं है। और रहा सवाल ब्राह्मणों के अस्तित्व की, ब्राह्मण गाली सुनेंगे, आपने एक छोटी सी बात सुनी होगी, मैं इस पर थोड़ा सा मार किया, ब्राह्मण तो शुरू से गाली सुने हैं, आज नया सुनेंगे, लेकिन ब्राह्मणों का अस्तित्व भाजपा में ही सुरक्षित है। गाली सुनने के लिए थोड़े हैं, ब्राह्मण विद्या दान करने के लिए है और उस विद्या ग्रहण कराने के लिए है कि ब्राह्मण गाली सुनने के लिए है, विद्या भी ग्रहण करावे या गाली भी सुने। अभी आपने आपत्ति नहीं किया जो कहा कि ब्राह्मण गाली सुनेंगे, ब्राह्मण दान देता है, अभी ब्राह्मण को अभी ब्राह्मण को दान, ब्राह्मण गाली सुनेंगे, गाली देंगे तो उस समय तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अविरल कुमार ओझा, एडवोकेट। आप भी वकील साहब हैं, तो जैसे भैया बोल रहे हैं और अंकल जी बोल रहे हैं, भैया अपने विकास के मुद्दे और नाराजगी दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अस्तित्व जो है सुरक्षित बीजेपी में ही है। की व्यक्तिगत दोस्ता होती है, मैं जनरल सेक्रेटरी क्रिमिनल बार एसोसिएशन बलिया था। अच्छा। किसी भी संस्था को चलाने में कई तरह की भूमिकाएं होती हैं, कुछ गाड़ी तेज चलती है, कुछ गाड़ी धीरे चलती है, ड्राइवर पर डिपेंड करता है। हमको मुकाम पर पहुँचना है, कुछ जल्दी पहुँच जाती है, कुछ पीछे जाती, जाना है। तो ये चुनाव जो चल रहा है, ये महाकुंभ जो चल रहा है, वर्तमान में मैं आरएसएस अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का जिला अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। दायित्व मेरा लंबा है, कल मैं परेशान था, आज मैं सो गया हूँ, ज़्यादा पता चला, फ़ोन आया, गौरव पांडे कोई आए हैं नोएडा से, तो कह रहे हैं रिलेशन में फ़ोन आया कि भाई आपके गाँव में डिबेट चल रहा है, आप सोए हैं, तो मैं उठ के आया हूँ, एक चाय पिया हूँ आप लोगों के सामने। इस चुनावी महाकुंभ में जो शिक्षित व्यक्ति है, हमको ये नहीं सोचना है कि मैं पंडित हूँ, वो ठाकुर हैं, वो हरिजन है, नहीं। जब मैं पैदा होता हूँ तो सबसे पहले प्रसव पीड़ा से जब मेरी माँ थोड़ा सा रिलैक्स होती है, तो हमको जो जात की चमैन जो कही जाती है गांव में, वही मुझे लेती है, पहला गोद तो मुझे वो देती है, कहाँ कास्टिज्म है। हमको राष्ट्र हित में मतदान करना चाहिए, हिंदुस्तान हिंदुत्व की व्यवस्था, ये व्यवस्था को लेके मुझे मतदान करनी चाहिए। अब रह गई बात मुद्दा कि जो लोग कह रहे हैं कटु सत्य है, लेकिन हमको अब ये देखना है कि ऐसे समय पे हम लोग खड़े हैं कि जो राष्ट्र की व्यवस्था बनानी है, जो बेचारा लेके चल रहा है देश को, हम उच्च कोटि में अगर सोचें तो भारत का विकास हुआ है, मेरे दरवाजे का विकास न हुआ ये मैं मानता हूँ, मेरे जिले का विकास नहीं हुआ ये कड़ी है। जैसे हम लोग क्रिमिनल के पटिशनर हैं, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ते हुए ही हम उस बाल्टी को कुएं से निकाल सकते हैं। लेकिन मोदी के आने के बाद बहुत प्रधानमंत्री लोग रहे हैं, उज्ज्वल सोच, तो जो व्यक्ति काम करके आगे चलता है, अगर वो ये सोच ले कि मेरा बच्चा ही डीएम बन जाए, मेरी बेटी ही डीएम बन जाए, तो विकास नहीं कर पाएगा, ऐसा पूर्व में रहा है। तो हम लोग ये इतना जानते हैं कि हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान पे मुझे मतदान करनी चाहिए, और मैं हूँ, मेरी पूरी टीम है। नहीं तो हिंदू और हिंदुत्व या हिंदुस्तान की आप जो बात कर रहे हैं, उसको सुरक्षित करने का काम क्या सिर्फ बीजेपी नरेंद्र मोदी का, क्या कांग्रेस या विपक्ष इंडिया गठबंधन नहीं कर सकते हैं? करना तो सबको चाहिए, हिंदुस्तान सबका है। रह गई बात कि अगर मेरे मन में ये है कि मैं कांग्रेस का हूँ, तो मेरी एक अपनी विचारधारा है, सपा है उसकी एक अपनी विचारधारा है, लेकिन सारे विचारधाराओं को लेकर के हिंदुस्तान ही उनका है, तो सोच हिंदुस्तान को सुदृढ़ करने में होनी चाहिए। अपनी रोटी राजनीति की सेकने से हमारा हिंदुस्तान का गर्व गिरेगा, ये विचार होनी चाहिए। असुरक्षित था का? क्या कह रहे हैं भाई साहब? 70 साल कांग्रेस यहाँ रही और 70 साल में 10 साल ये रहे हैं, तो उधर होगा 5 उधर अटल बिहारी है। हाँ, मैंने 15 साल निकाल दीजिए, 15 साल में आपका 55 साल बचा, 55 साल ये देश असुरक्षित में ही जीवित रहा का, चीन का कब्जा हो गया, पाकिस्तान का कब्जा हो गया, या अमेरिका का कब्जा हो गया, देश तो वही था। रही बात मूलभूत राशन, राशन व्यवस्था एक्स्ट्रा आपने दिया है, लेकिन पहले भी था,
सबको मिलता था, सबको मिलता था कि नहीं मिलता था, ये हमारी जिम्मेवारी थी, ये हमारा भी उत्तरदायित्व, इस जनता का यही भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि मिले। 20 किलो बेच भी नहीं रहे थे लोग, 20 किलो बेच भी नहीं रहे। जी क्या नाम है आपका? चित्रंजन मिश्रा जी। क्या करते हैं आप? जमीन का व्यवसाय व्यवसाय करता हूँ। आज़ादी के बाद आज तक जितने यहाँ सांसद रहे, लोकसभा राज्यसभा, अगर विकास मुद्दा है तो वीरेंद्र सिंह मस्त ही नेता था। 25,000 करोड़ लाया, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट काट के गलत किया। इनकी सब की मैं भी समर्थन करता हूँ भैया। अच्छा, वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ काम किए हैं। क्या काम किए हैं? ग्रीन फील्ड जैसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाए, अभी पुल बन रहा है, वो पुल बनवा रहे हैं, रेलवे का बहुत बड़ा काम करवाए हैं, मेन लाइन आरा से जुड़वा रहे हैं स्टेशन का। लेकिन यहाँ राजनीतिक जातिवाद, ये वो क्षुद्र सब, और एक फैमिली को दे दिया गया जाओ किंग बन जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति, हाँ, एक आदमी को विरासत दे देना, ब्राह्मणों को दरकिनार करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ब्राह्मणों को दरकिनार करके फैमिली को ऐसे नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, हम लोग आजाद हो चुके हैं ना, कैसे गुलामी करेंगे? 1952 से आज तक के इलेक्शन का देख लीजिए। आप तो पत्रकार है, आपको इतना तो याद ही होगा, 45 साल आपके पुत्र रहे, अब मैंने चंद्रशेखर जी रहे, उसके बाद इनके पुत्र रहे, तो व्हाट अबाउट ब्राह्मण? यही समझ बोली नहीं, ऐसा नहीं बोले तो ब्राह्मण है क्या? मैंने राहुल की भाषा में पनौती अनौती कहे तो आपको समझ में आएगा? नहीं, नहीं। तो फिर वो शब्द तो मैं कर नहीं सकता। तो बात ये है कि आप 5 लोगों के डिसीजन से जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तो बैठा हुआ है, आखिर व्हाट अबाउट यार, आप क्या सोच रहे हो वहाँ से? सपा जो कि मैं मतलब देखा जाए तो भाजपा के पैरेलल पार्टी नहीं है सपा, वो इस बात को समझती है एक ब्राह्मण को यहाँ पर चाहिए। और आप इतने अच्छे नेता, इतने अच्छे से लीडर होने के बाद, शीर्ष नेतृत्व के बात छोड़ दीजिए, भाजपा के पूरे नेतृत्व के बात छोड़िए, ये क्वेश्चन भी अलग है कि मोदी के बाद कौन राजनीति कहाँ जाके गिरेगी, ये भी नहीं मतलब मतलब है कि एक ब्राह्मण को सम्मान देना चाहिए इनको, ये द फैक्ट है। तो जैसे भाई साहब ने कहा व्यापारी सुरक्षा, नंदलाल गुप्ता वो सुसाइड किया था, उसमें केवल मौजी जैसे नेता ने सारे अपराधियों को गिरफ्तार करवाया, और वो आज सारे लोग बीजेपी के सदस्य बन के फिर घूम रहे हैं। मोदी ने भाजपा नहीं छोड़ा है तो हम कहाँ मोदी का कह रहे हैं? हाँ, मोदी जी की कुछ अच्छी बातें हैं, राम मंदिर 370 तो हम भी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये गलत हुआ है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई उधर कुछ भैया लोग बोले कि मोदी जी का काम है ना, आप लोग वो भैया लोकल लेवल पे बोल रहे हैं गड़बड़ है, पर ऊपर बोल रहे हैं गडकरी जी ने सड़क बनवाई, काम किया। लोग मोदी का समर्थन करते हैं लेकिन जिला का समर्थन नहीं करते, यहाँ के नेता का समर्थन नहीं करते। अच्छा, मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन बलिया का ब्राह्मण कर रहा है नीरज तेरी खैर नहीं। नीरज आपको अजीत डोभाल ब्राह्मण, नीता निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ब्राह्मण, नितिन गडकरी ब्राह्मण, एस जयशंकर ब्राह्मण, जो काम कर रहे हैं हम सीधे टारगेट पे रहते हैं क्योंकि हम जातिवादी नहीं रहे। बलिया में क्यों हम एक पक्ष में जा रहे हैं? अश्विनी बैस भी ब्राह्मण है, एक पक्ष में क्यों जा रहे हैं? इसका कारण है, जब हमारे रक्त संबंध को आप, हम पिछली बार वीरेंद्र सिंह मस्त कोट किया था यहाँ का ब्राह्मण, इसी जहाँ आप चौपाल लगा रहे हैं इसी चौपाल पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ था। हम कह रहे हैं कि यहाँ किंगडम न बने। क्या नाम है आपका? राहुल राय नाम है हमारा। क्या करते हैं राहुल राय? अभी तो पढ़ाई करते हैं, जॉब भी करते हैं, अभी पटना में है अभी। लेकिन आज आप रोजगार के नाम पे और मुद्दों की राजनीति आजकल ख़त्म हो गई है। आज 2017 के बाद जितने भी पेपर हो रहे हैं, तो हम लोगों ने बीएड किया 2018 में, 18 के बाद न भर्ती आई है, जब दो पेपर में दो बार बैठे दोनों बाद, अभी एक घंटे पेपर हुए थे तब तक क्या हुआ कि पेपर रद्द हो गया है, लीक हो गया है उसको, चलिए अब ख़त्म हो गई मुद्दों की राजनीति। कब तक राम के नाम पर वोट लेंगे आप? और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए आज, मुद्दों की राजनीति पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है। नीरज शेखर कल चंद्रशेखर योगी जी आए थे, वो बोल रहे हैं कि परिवारवाद, चंद्रशेखर जी की विरासत को बढ़ाइए, और मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, तो परिवारवाद ही तो यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अब बताइए किसको वोट दिया जाए? विकास के नाम पे वोट, विकास जितने भी किए हैं समाजवादी सरकार में, यहाँ के पूर्व मंत्री नारद राय ने किया है, पुल बनवाया, ट्रामा सेंटर बनवाया, यूनिवर्सिटी लाए, और क्या चाहिए यहाँ के लोगों को? यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। चंद्रशेखर जी भी 40 साल यहाँ के सांसद थे, वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। नीरज शेखर भी दो बार के सांसद रहे हैं, राज्यसभा भी हैं, यहाँ भी कुछ नहीं हो पाया, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ सनातन बाबा इस बार विजयी होंगे, समाजवादी पार्टी की विजय होगी इस बार।
सनातन पांडे का चुनाव जो है आप लोग जो कह रहे हैं जी, वो असल में मुद्दों पे हो रहा है कि जो आपका कई लोग तो ये भी जज करेंगे ना कि क्या जाति फैक्टर है, क्योंकि बीजेपी को तो वोटर मतलब ब्राह्मणों को वोटर तो माना जाता है बीजेपी का, सभी लोग आधा से अधिक ब्राह्मण है, जातिवादी यहाँ बहुत बड़ा विषय बना के खुद वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताइए, क्या नाम है आपका? विपुल चौबे नाम है मेरा। क्या करते हैं? हम अपना काम करते हैं, सेल्फ डिफेंस काम करते हैं। क्या आपका क्यों मूड मिजाज दिख रहा है? हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण वो नहीं है कि जातिवादी ब्राह्मण है, हम लोग देश हित और राष्ट्र हित में काम करने वाले व्यक्ति हैं। और लोग कह रहे थे कि नीरज शेखर जितना सलीन व्यक्ति है वो जैसे काम कराता है, ये नहीं है कि हमारे नाम से कोई शिलापट रखा गया हो। जितने भी हमारे विधानसभा बलिया में जितने भी हर गाँव में ट्रांसफार्मर लगा हो, जेन्युइन कार्यों में उसका पैसा लगता था, ये नहीं कि हम शिला पट लगवा दिए, ये नारद राय क्या हो गया, ये नीरज शेखर क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। और जो लोग चाचा कह रहे हैं कि सत्तर साल में जो कांग्रेस कर गई वो 15 साल में भाजपा ने कर दिया, अरे तो ये बताइए, हमारे परिवार की बहू बेटियां पहले बलिया से हम लोग के यहाँ आने में लोगों को डर लगता था, 6 बजे के बाद कोई आता नहीं था उस रास्ते पे, आज हमारी बहू बेटिया 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, लोग चली आती है। पहले लोग नहीं आते थे। और नाम पट्टी पे नीरज शेखर नहीं करवाते हैं काम, उनका जेन्युइन काम होता है, गांव में लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। और लोग कह रहे हैं कि नीरज शेखर की ही देन है जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, क्योंकि वो पहले सपा में थे, उन्हीं की जमीन है। जैसे ये बोल रहे हैं कि नीरज शेखर ने काम करवाया, कल और जगह में बैठा था वहाँ भी लोग बोल रहे थे कि नीरज शेखर ने काम करवाया, तो जैसे सारे काम बीजेपी की नारी है, वैसे तो वो तो काम सपा के कार्यकाल में हुआ है, तो वो काम किसका माना जाएगा, नीरज का या सपा का? तो आप इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल आप ये मत कहिए कि नीरज ने करवाया है, तो भाजपा की देन है, वो तो भाजपा की देन है ना। नहीं नहीं, जब आप लोग कह रहे हैं कि भैया ने कहा कि आएगी बीजेपी, मोदी आएंगे, नो डाउट बीजेपी आएगी, लेकिन जितनी समझदारी से बलिया का टिकट आवंटन हुआ है, यहाँ के जो मतदाता हैं वो भी उतनी ही समझदारी से वोट करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सही। देखिए नीरज शेखर की पत्नी जो है 5 साल पे बलिया आती हैं, वो यहाँ की बहू है, और एक मिनट, वो एम्स में डॉक्टर हैं, जब नीरज शेखर का चुनाव आएगा तो घर घर में जाकर महिलाओं से हाथ जोड़ेगी, 5 साल उनका कहीं पता नहीं चलेगा कि कहाँ है, और नीरज शेखर जब कभी किसी का उद्घाटन होगा तो यहाँ बड़े नेता आएंगे तो उसके पीछे पीछे चलेंगे, आगे नहीं बढ़कर कोई काम करेंगे। भैया ग्राम प्रधान का पते नहीं चलता है 5 साल चुनाव में, जब चुनाव आता है उसके बाद 5 साल तक ग्राम प्रधान का पता नहीं चलता है, तो सांसद की तो बातें छोड़ दीजिए। रहा सवाल कि इन्होंने सही कहा कि व्यक्तिगत सनातन पांडे जीतेंगे तो अपनी सांसद निधि को हर एक गांव में बंटवारा करके देंगे कि 500 रुपया गोठौले के लिए, 1000 जीरा बस्ती के लिए, 1500 रुपया परिखरा के लिए, नीरज शेखर नहीं करेंगे। 17-85 करोड़ रुपए का हिसाब है ना, सांसद बनेंगे तो सांसद निधि को हर एक गांव में बंटवारा करेंगे। 100 करोड़ रहा सवाल कि जाति को किसने देखा, आज हम बैठे हैं, जाति को सिर्फ सपा ने देखा कि यादव का वोट मेरा है, मुस्लिम का वोट मेरा है, अब पंडित जी का वोट मिल जाएगा तो हम सीट निकाल ले जाएंगे, बस गणित यही है। बीजेपी नहीं करती है सर, बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती है, कब करती है ऐसा, बीजेपी नहीं करती है। देखिए कमी कहाँ है, युवा वर्ग में है, आप लोग सुनिए कमी कहाँ है, मनुष्य को हमेशा हिमसेल्फ मेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम प्रधान के पीछे पीछे हैं तो प्रधान जीत जाएगा तो मेरी उपलब्धि गिनवाएगा, नहीं, मुझसे प्रधान है ना, या मुझसे विधायक है, मुझसे सांसद, जब मेरे पास इम्यूनिटी रहेगी, मेरे पास एजुकेशन का तंत्र रहेगा, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी, मेरे अपने रिश्तेदारी में, भैया लोग कह रहे हैं भाई कि हायर एजुकेशन के लिए यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, मेरे रिश्तेदारी में 4 IPS लड़के हुए हैं,
ये काहे नहीं समझ रहे हैं। मार्केटिंग इंस्पेक्टर कम से कम मेरे रिश्तेदारी को जोड़िए तो छह हुआ है। अभी जो मैं बता रहा था कि वो जिस पत्रकार का फोन आया था जो गौरव पांडे हैं नोएडा से आए हैं तो मेरे रिलेशन में हैं, वो फोन आया कि भाई डिबेट हो रहा हो तो आप गए नहीं ना हो, तो मैं आया। देखिए मनुष्य की सोच राजनीति में व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, हमको राष्ट्र पे सोचना चाहिए। कैसे लोग कह रहे हैं कि भाजपा गवर्नमेंट ने कार्य नहीं किया, कश्मीर को उठाइए, जहाँ आप चल नहीं पाते थे वहाँ आप बाल को उड़ाते चल रहे हैं, जहाँ तक आज तक झंडा नहीं पाला था हिंदुस्तान का वहाँ झंडा पा। देखिए जब ऊंच हम सोचेंगे, जैसे ये भैया कह रहे हैं कि परिषद का सदस्य राष्ट्र के मुद्दे पे वोट पड़ेगा, ऐसे वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री अधिवक्ता परिषद में हूँ मैं, बीजेपी नहीं आरएसएस का एक विंग होता है अधिवक्ता परिषद, अधिवक्ता परिषद का मैं बहुत प्राचीन सदस्य हूँ। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र व्यक्ति से होता है, राष्ट्र किसी धरती का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र व्यक्ति से बनता है। तो राष्ट्र जहाँ जनता का हित है वहीं बनता है। और सरकार जहाँ तक डिफेंस की बात है वो डिफेंस सुरक्षित है। 499 से बिल्कुल बलिया की जनता संतुष्ट है, 399 से 400 में एक कम रहेगा आंकड़ा तो न बहुमत कम होगा न वो कम होगा। रही बात मतलब आप कह रहे हैं केंद्र में बीजेपी ठीक है यहाँ नहीं, नहीं मैं तो विधानसभा में भी बीजेपी को ठीक कर रहा हूँ, आप केंद्र छोड़िए, मैं वार्ड पंचायत में भी बीजेपी को ठीक करूंगा। लेकिन मैं अपने माननीय जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे विचारक रहे हैं, अच्छे विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा है उनकी बातों को मैं अनुसरण करता हूं, शाखा में जाता था तो उनको पढ़ता हूं और अनुसरण करता हूं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपका नेतृत्व गलत प्रत्याशी दे देता है तो आप उसका विरोध करिए, खुल के विरोध करिए और अपना विरोध दर्ज कराइए, और दर्ज ही नहीं कराइए उसको हराइए और हटा के भेजिए। तो हमारे यहाँ ये बताइए 85 करोड़ रुपए होता है भाई साहब, 1 अरब में 15 करोड़ रुपए कम का अभी तक नीरज शेखर को सांसद निधि प्राप्त हो चुकी है। 100 करोड़ रुपए का लागत से 10 करोड़ में यूनिवर्सिटी बनी है, 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज बन सकता था जमीन खरीद के, अखिलेश यादव की देन है। जैसे नेता लोगों का नाम ले रहे हैं आप लोग, कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव कैसे लगते हैं आप लोगों? देखिए राहुल गांधी की बात छोड़िए, राहुल गांधी अनमेच्योर बंधन है ना उनका, नहीं नहीं राहुल गांधी और अखिलेश अनमेच्योर पर्सन है, सीधी सीधी बात है। मेच्योरिटी इसलिए नहीं है कि ये बंद एसी कमरे में कोई आंदोलन नहीं होता है, उनके पिता रोड पे संघर्ष किए हैं मुलायम सिंह यादव के, राहुल गांधी के पूर्वजों ने जिनकी नेहरू की बात करते हैं वो लाठियां खाई हैं और जेल गए हैं। जब तक वो लाठी नहीं खाएंगे जेल नहीं जाएंगे, तो लोकतंत्र में आपको नेता कोई स्वीकार नहीं करता है। तो इसके लिए आपको संघर्ष करना चाहिए, बंद वीआईपी गाड़ी में घूम के और ऐसे सेलिब्रिटी की तरह हाथ हिला के राजनीति नहीं होगी। हाँ 4000 एक बढ़िया स्टेप उन्होंने लिया है, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, वो तारीफ़ काबिल है। अभी उनको इस तरह के कई काम करने पड़ेंगे और जनता से मिलना पड़ेगा, तब भारत की जनता उनको नेता स्वीकार करेगी। जहाँ रही क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी की बात, तो क्षेत्रीय दल को भारत की जनता धीरे धीरे निकाल रही है। कांग्रेस ने भी विकास किया होता अगर उसे पूर्ण बहुमत की सरकार मिली होती, राजीव गांधी के बाद उनको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली। जब जब टुकड़ों में सरकार आएगी विकास नहीं हो पाएगा, सब अपने मत और अनुसार से खींचेंगे, लेग पुलिंग होगी तो सरकार काम नहीं कर पाती है। तो राहुल गांधी तो अभी काम करना पड़ेगा, उनको खुद के लिए काम करना पड़ेगा, तो उससे इफेक्ट होगा यहाँ पर वोट लीडरशिप के हिसाब से। कैसे लगते हैं अखिलेश यादव राहुल गांधी? लगते तो अच्छे हैं, काम भी किया अखिलेश यादव बलिया के लिए, पूरा उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, जितना युवाओं को रोजगार दिया है, पिछली की सरकारों में की सात सालों में क्या कौन सा रोजगार, इन्होंने बोला था 1 करोड़ रोजगार देंगे एक साल में, कितने रोजगार दिया है इन्होंने बताइए आपने? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि युवाओं को 1.5 लाख नौकरी दी जाएगी, किस एंगल में नौकरी दिख रही है आप हमको बता दीजिए। बलिया की जनता यहाँ से उठ के रेफर हो जाती है मऊ बनारस, यहाँ के बच्चे, यहाँ के गरीब घर के बच्चे खेत बेचकर, उनके माता पिता खेत बेचकर कोटा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं बच्चे, क्यों? माननीय सांसद जी के पास और माननीय विधायक जी के पास, आपके पास विधायक निधि नहीं है, सांसद निधि नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज दिलवा दीजिए, कि इंजीनियरिंग कॉलेज दिलवा दीजिए। मैं खुद एक मेडिकल का छात्र हूँ, मैं लखनऊ जा के रहा हूँ, बनारस जा के रहा हूँ, कोटा जा के रहा हूँ, क्यों? आज मेरे मान लीजिए मेरे घर वाले, मेरे माता पिता उस काबिल नहीं होता तो क्या मैं पढ़ पाता? नहीं पढ़ पाता, ये किसी ने कभी सोचा है? नहीं।
हमारे पिताश्री ने कहा कि हिंदुत्व का काम कर रहा है भाजपा, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि 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 जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो कैसा हिंदुत्व, आप शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो आप क्या रोजगार नहीं रहेगा तो आप क्या बायलाज पढ़ेंगे, आप क्या अधिवक्ता बनेंगे, आप क्या डॉक्टर बनेंगे, जब आप शिक्षित ही नहीं रहेंगे, आपके पास इंटरमीडिएट की शिक्षा नहीं रहेगी तो आप क्या काम करेंगे। मैं तीन तीन चार चार डिग्री लेके आज मैं बेरोजगार हूँ, क्यों, उसकी देन भाजपा नहीं है, उसका देन सपा नहीं है, लेकिन मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, लेकिन वाई नॉट, वाई नॉट यू कैन गिव एनी प्रॉपर सूटेबल प्लेस दैट एनी वन कैन सर्वाइव, वाई, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं। मैं इतने देर से सुन रहा था, मैं चुप था इसलिए कि शायद प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, इसमें बोलना ठीक नहीं है, सारे लोग ठीक हैं, कोई कुछ बोलना नहीं, लेकिन कहने का मतलब है हिंदुत्व का एजेंडा लेके कब तक आप वोट मांगेंगे, कब तक जनता को बेवकूफ। राहुल गांधी अगले साल कैसे लगते हैं आपको? मैं देखिए, मैं ना समाजवादी हूँ, ना भाजपाई हूँ, ना कम्युनिस्ट पार्टी का हूँ, ना कांग्रेस, मुझे रोजगार चाहिए, एक उत्तम मतलब नहीं, नेता से मतलब उत्तम शिक्षा चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, हमारा परिवार आगे 20 साल बाद जाके अच्छा घर में रह ले और अच्छी शिक्षा मिले हमारे बच्चों को, ये हम चाहते हैं, ना कि हम सनातन पाड़े को सपोर्ट करते हैं, ना कि हम नीरज शेखर को सपोर्ट करते हैं, वी सपोर्ट एजुकेशन बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। चलिए भाई, बातचीत हुई, आप लोगों ने सुना क्या लोग बोल रहे हैं चुनाव के बारे में, क्या मुद्दे हैं और वोट किस तरीके से पड़ने वाला है, ब्राह्मण बहुल्य गाँव था, यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं बीजेपी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में, आपने सुना, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीता है। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।